So far, it's very well organized. It's very nice to see that Y20 event takes place not only in big cities but it's in the small cities like Kashmir also. Khan. Mama Nawaz Khan. Good. Throwback. And who does the grafting? I saw. What is Mansoor? What is researching a sustainable? This is made from the paddy grass. You know, paddy is a local. Yeah. So earlier, in people experience over here to be a part of this youth conference where we were able. अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाक खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इस टाइम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांधरबल की तहसील लार में, और जहां पे हम मौजूद हैं ये सैगी को विलेज है। आज यहां पे Y20 जो समिट है वो हो रही है कश्मीर में, और उसी के ज़िमन में आज यहाँ पे जो डेलीगेशन है यूथ की वो यहाँ पे सैगी को विलेज में आई, क्योंकि इस बार का जो मेन जो टॉपिक चुना गया है वो क्लाइमेट चेंज है। और Y20 जो G20 का एक हिस्सा है जिसमें यूथ को मौका दिया जा रहा है बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने का, और उनकी जो एक्सपीरियंस हैं जिनमें वो इंटरेक्ट करते हैं बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी जो फॉरेन कंट्री के बहुत सारी कंट्री के यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, रशिया हो, USA हो, और इंडिया के बाकी स्टेट से भी यहाँ पे आए हुए हैं यूथ डेलीगेशन। और हम यहाँ पे यूथ डेलीगेशन से बात भी करेंगे और जानेंगे कि Y20 कितना सक्सेसफुल रहा यहाँ पे और क्या कुछ इनके एक्सपीरियंस रहे Y20 के हवाले से। टेल मी अबाउट Y20 कंसल्टेशन समिट इन कश्मीर, योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस समिट। ओके, आई एम रियली एंजॉयिंग माय एक्सपीरियंस सो फार। इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। It's very nice to see that Y20 event takes place not only in big cities but it's in the small cities like Kashmir also. Okay. And yes, we are very enjoying it. We are very thankful for the opportunity to take part in this event. Okay. And regarding the place we're visiting right now, it's very sorry for my phone. It's very nice to see that some kind of small initiatives that lead to the more sustainable future are taking place in Kashmir as well. Any special message for youth? It's in our hands, and we are the ones who should take care of the future generations. We are the ones who should take steps towards more sustainable, more green future. That's why it's very important that events like these are organized and the message is spread across. Especially, ma'am, tell me about this place regarding your experience. This place, you mean this eco farm? Eco area. Yes, I was very surprised to know that such a fantastic initiative takes place in Kashmir itself, that local people are so much like concerned that they're worrying about the environment and they're also taking steps towards more sustainable, greener future. It's very nice. And I really hope it will keep growing, this place, that more and more people would come here, get to know about it. It's very important. हमारे साथ एक और यूथ मौजूद हैं जो Y20 समिट थी जो कश्मीर में हुई। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। हाँ, मेरा नाम प्रतीक दास है जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं एक्चुअली आपका नेशनल प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ जी। मैडम द्रौपदी मुर्मू जी से मुझे मिला था जी। तो आप इसमें Y20 कश्मीर समिट में आपने हिस्सा लिया, तो आपका ये कश्मीर आना पहला विजिट था, इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, कश्मीर आना मेरा पहला ये विजिट रहा है, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि आज अभी जो मौका दिया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने Y20 समिट में आने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब एक यादगार रहा है ये कश्मीर, मतलब घूमना, यहाँ का जो नेचर है वो बहुत मतलब अच्छा लगा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इन दिनों का जो आप यहाँ पे घूमे, और खासकर इस लोकेशन पे जहाँ पे आप आए हैं, तो कैसा लगा आपको कश्मीर, और इस Y20 समिट से क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी यूथ को जो हमें देख रहे हैं? हाँ, मुझे ये लगा कि मतलब जैसे कि हम दूसरे मतलब मैं बहुत सारा स्टेट्स घूमा हूँ मतलब इंडिया में, बट हर जगह में जहाँ पे भी जाता हूँ, हमारा जो कल का टॉपिक था Y20 में, क्लाइमेट चेंजेस हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, तो अगर हम सारे चीज़ों को देखें तो उनमें से हम एक चीज़ को हम पॉइंट आउट करेंगे कि पेड़, जो आजकल मतलब पेड़ का बहुत कमी है, आज मतलब पेड़ को काटा जा रहा है हर जगह पे, रोड, बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह चीज बन रहा है, जो जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ कंक्रीट जंगल, जो कंक्रीट जंगल के वजह से हमारा नेचर पूरा बाहर बर्बाद हो रहा है, और क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हो रहा है, जैसे हमारा डिजास्टर बीच बीच में क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से जैसे साइक्लोन हुआ, फ्लड हुआ, ऐसे बहुत सारा डिजास्टर आ रहा है, बट मैं कश्मीर में आके देखा, यहाँ में जो नेचर है हर जगह में जो देखा, वहाँ पे मुझे कंक्रीट जंगल नहीं दिखाई दिया, एक्चुअल नेचर, और नेचर का वो जो हवा और ये जो माने पूरा नेचुरल एयर जो है वो, और यहाँ पे वो जो शांति,
वातावरण जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, तो आप पहले एक बार कश्मीर आइए, यहाँ पे रहिए और देखिए यहाँ पे मतलब इसका वातावरण कैसे अच्छा है और यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। क्योंकि ये इतना अच्छा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, यहाँ पे लोग मतलब नेचर को प्यार करते हैं। तो मैं स्वयं प्रसिद्धि, आई एम 10 इयर्स ऑफ एज, आई एम द फाउंडर ऑफ प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन। आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड आई हैव प्लांटेड 1 लाख ट्रीज एंड इट वाज इंडीड अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ओवर हियर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस youth conference where we were able to exchange ideas and you know come over multiple concepts, and especially the Saag Eco Village, how they have ecologically displayed the beautiful culture and are trying to revive the village life of Kashmir and bring it in front of the people is just exceptional. Y20 के हाल इस बताएं, ये जो आज delegation यहाँ पे आई है Y20 students की, तो कैसा लगा इनके साथ attraction करके और क्या कैसा आपको लगा जब ये बाहर की delegations यहाँ पे आती हैं और खासकर यहाँ पे आई? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि ऐसे ही लोग यहाँ आते रहते जी तो हमें भी रोजगार मिल जाता जी और अच्छा लग जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाक खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इस टाइम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल की तहसील लार में, और जहां पे हम मौजूद हैं ये सैग इको विलेज है। आज यहां पे Y20 जो समिट है वो हो रही है कश्मीर में, और उसी के ज़िमन में आज यहाँ पे जो डेलीगेशन है यूथ की वो यहाँ पे सैग इको विलेज में आई, क्योंकि इस बार का जो मेन जो टॉपिक चुना गया है वो क्लाइमेट चेंज है। और Y20 जो G20 का एक हिस्सा है जिसमें यूथ को मौका दिया जा रहा है बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने का, और उनकी जो एक्सपीरियंस है जिनमें वो इंटरेक्ट करते हैं बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी जो फॉरेन कंट्री के बहुत सारी कंट्री के यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, रशिया हो, USA हो, और इंडिया के बाकी स्टेट्स से भी यहाँ पे आए हुए हैं यूथ डेलीगेशन। और हम यहाँ पे यूथ डेलीगेशन से बात भी करेंगे और जानेंगे कि Y20 कितना सक्सेसफुल रहा यहाँ पे और क्या कुछ इनके एक्सपीरियंस रहे Y20 के हवाले से। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको Y20 समिट जो है जो कश्मीर में हो रही है, और अभी की अगर हम आपको बताएं, जो पीछे विजुअल्स में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो सैग इको विलेज है यहाँ पे पूरी तरीके से जो नेचर का ख्याल रखा गया है, यहाँ पे जो भी चीज़ है आपको एक कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिशनल कश्मीर जो वो कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो नेचर के साथ मिक्सअप की गई हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक नेचर जब फील करना हो तो आप ऐसी जगहों पर आते हो। और कश्मीर की अगर खासकर अगर बात की जाए, कश्मीर में भी आपको क्लाइमेट के हवाले से, अगर नेचर के हवाले से बात की जाए, तो यहाँ पर आके एक आपको एक लविंग नेचर जो लोग हैं वो ज़्यादातर कश्मीर आना प्रेफर करते हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि क्योंकि जम्मू कश्मीर जो टूरिज़्म है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है जो हिडन प्लेसेस हैं कश्मीर में, और एक कदम हमें चलना चाहिए विलेजेस की ओर, जो गांव हैं वहाँ की खूबसूरती दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म में जो टूरिस्ट आते हैं जम्मू कश्मीर, टूरिज़्म के हवाले से प्रमोशंस तो होती है, लेकिन विलेजेस में जो होम स्टे सिस्टम है या यहाँ का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ यहाँ के जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं या इस सैग की देख रेख कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे करते हैं। आपका नाम जानेंगे? जी, मेरा नाम शेख मुख्तार है, मैं लोकल हूँ, यहीं से चांदन गुलाबपुरा का रहने वाला हूँ। तो हम सैग इको विलेज में 2000 मतलब काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, इको प्रोनाशिप हमारे सैग इको विलेज, और बहुत कुछ हमने जो Y20 जो यहाँ पे डेलीगेशन आई है उसके हवाले से बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, और जब आपने कन्वर्सेशन की या आपको मौका मिला यहाँ पे अपनी मेहमान नवाजी करने का, उस हवाले से बताइए आप। तो मेहमान नवाजी हमारा काम है, इंशाल्लाह हम चाहते हैं, हम इंसान आश्रम मुल्कात हैं, तो हमने यही टॉपिक चुना है कि हमें खिदमत खलक करना है जो हमारा काम है। तो जो भी यहाँ पर आता है यूजुअली मैंने देखा तो खुशी होकर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर नेचर को लेके जो भी हमने एनवायरनमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट किया है या बाकी चीज़ें करते हैं, तो नेचर को लेके, नेचर के साथ कनेक्शन, इको थेरेपी होती है यहाँ पर, बंदा रिलैक्स हो जाता है, बंदा इम्प्रेशन जो बंदा वहाँ से बोझ लेके आता है यहाँ से हल्का होकर चला। और भी यहाँ हैं, हम इनसे बात करेंगे, ये भी यूथ हैं, तो जब इनको यूथ के बाकी यूथ के साथ मौका मिला बात करने का, जानने का, तो कैसा लगा आपको जो ये Y20 का जो इनिशिएटिव है, खासकर
जो यहाँ पे आए आपके एरिया में, गांधरबल लार एरिया में आए जब, तो कैसा लगा आपको? जी सर, पहले हम शुक्रगुजार हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने हमें इस खिदमत करने का मौका दिया इनको, कि ये बहुत से ममालिक से आए हैं, बाहर से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इनके साथ इंटरेक्ट करके हमने बहुत कुछ सीखा इनसे, इन्होंने भी। फर्स्ट ऑफ माय नेम इज़ रॉबर्ट पाउल एंड आई एम अ रिसर्चर फ्रॉम एंड प्रोफेसर फ्रॉम द मोंटाना टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन ब्यूट मोंटाना एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू पार्टिसिपेट एट दिस कॉन्फ्रेंस एट द Y20 and I thought it was a very good conversation, very good panels. I hope that we'll have good follow-ups and actions in place. You know, it should have something like a more practical and hands-on actions after the messages of the conference.